दुनिया घूमने का तो शौक सबको होता है, जिसके लिए पासपोर्ट, जहाज का टिकट और कुछ सामान रखना तो मस्ट है। लेकिन अमरीकी खातून ने कुछ अलग कर दिखाया कि आप भी सुनकर सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे कैसे। इस खातून ने चार पहियों के बजाय दो पहियों की सवारी का इस्तेमाल किया और चल मेरे भाई, अमरीका की लायल विलकॉक्स को ये रिकॉर्ड बनाने में 108 दिन लगे। इन्होंने 29,159 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। इससे कबल 2018 में स्कॉटलैंड की जेनी ग्राहम ने यही सफर 124 दिनों में तय किया था। विलकॉक्स ने अपनी साइकिल पर चार बड़े आजमों के 21 मुल्कों का सफर किया। इस दौरान वो रोजाना 14 घंटे मुसलसल साइकिल चलाती थी। विलकॉक्स ने अपना सफर शिकागो से शुरू किया, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने पुर्तगाल की फ्लाइट पकड़ ली। इसके बाद कई हफ्ते जर्मनी, हत्ता के वो तुर्किया और जॉर्जिया तक भी पहुंच गए, और इस तरह उन्होंने बड़े आजम एशिया की मिट्टी पर भी टायर रख दिया। फिर बहादुर खातून ने ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर ली, जिसके बाद दोबारा न्यूजीलैंड आई। सफर का अख्ताम शिकागो पर ही आकर किया। माहरीन के मुताबिक एक साइकिलिस्ट दिन की 6,000 से 10,000 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, तो किस बात का डर है। ले दफ्तर से 108 दिन की छुट्टियां, उठाएं साइकिल और चल पड़े।